हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिस्ट्री जंगल। आशा है कि आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं। आपको पता है बुलेट प्रूफ जैकेट से भी मजबूत होती इस जानवर की चमड़ी और बंदूक की गोली भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। चलिए वीडियो पे आगे जाने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस जानवर का नाम है आर्माडिलो। आर्माडिलो विभिन्न में से कोई भी बख्तरबंद स्तनधारी मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के उपोषण कोटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अधिकांश 20 प्रजातियां खुले क्षेत्रों में निवास करती है जैसे घास के मैदान, लेकिन कुछ जंगलों में भी रहते हैं। सभी आर्माडिलो में प्लेटों की एक सेट होता है जिसे कार्पस कहा जाता है, जो शरीर को शामिल करता है, जिसमें सिर और अधिकांश प्रजातियाँ शामिल है, लेकिन एक प्रजाति में कार्पस लगभग बालों रहित है। कार्पेट बोनी अनुप्रस्थ बैंड से बना होता है जो कठोर तराजू से ढका होता है, जो त्वचा के उटकों से प्राप्त होता है, जिसपे अब बंदूक की गोली से भी इनका त्वचा को कुछ नहीं हो सकता। ITIS के अनुसार आर्माडिलो की 21 प्रजातियां हैं। कुछ आर्माडिलो बहुत छोटी होते हैं और कुछ विशाल होते हैं। सबसे छोटी आर्माडिलो लगभग 6 इंच लंबा है। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार विशालकाय आर्माडिलो सबसे बड़ी प्रजाति है और ये लगभग 5 फीट लंबी है। एक आर्माडिलो का कवच पीठ, सिर, पैर और पूंछ को कवर करने वाली अतिव्यापी परतों से बना है। 3 बैंडेड वाला आर्माडिलो शिकारियों के खिलाफ बचाव के लिए खुद को एक कठिन बख्तरबंद गेंद में रोल कर सकती है। अन्य आर्माडिलो प्रजातियाँ बस एक छेद खोदती है और जल्दी से नीचे गिर जाती है ताकि उनके कोमल पेट की रक्षा हो और उनका कवच ही दिखाई दे। आर्माडिलो की दृष्टि खराब है, इसलिए वे गंध की अत्यधिक विकसित भावना के साथ शिकार करते हैं और पेट के साथ वैरी भी बाल होते हैं, जिसका उपयोग वे अपने तरीके से महसूस करने के लिए करते हैं। उनके पास खुदाई के लिए मजबूत पैर और तेज पंजे भी हैं। आर्माडिलो में रंगों की एक विस्तृत श्रृंखला है। ये गुलाबी, लाल, काले, ग्रे या पीले हो सकते हैं। कुछ लोग आर्माडिलो खाते हैं और दावा करते हैं कि इसका स्वाद पोर्क की तरह है। सैन डियागो चिड़ियाघर के अनुसार विशाल आर्माडिलो का 100 दांत तक हो सकता है। आर्माडिलो अपने पसंदीदा भोजन कीड़े खोजने के लिए जमीन खोदते हैं और कीड़ों के अलावा पक्षियों के बच्चे, अंडे, कैरियाँ, जड़ और फल खाते हैं। उनके पास लंबी चिपचिपी जीभ होती है जो चींटियाँ और दीमक का शिकार करते समय पूरी तरह से मदद करती है। आर्माडिलो महान तैराक होते हैं। जब ये गोता लगाते हैं तो 6 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। आर्माडिलो का प्रजनन बहुत ही अनोखा है। संभोग का मौसम जुलाई में होता है, महिला नवंबर में गर्भवती हो जाती है। इसे विलंबित आरोपण कहा जाता है। पर्यावरण की स्थिति संतोषजनक होने तक महिला अपनी गर्भ अवस्था को स्थगित कर सकती है। एक अंडे से 4 आर्माडिलो पैदा होंगे, उन्हें चौगनी कहा जाता है। बेबी आर्माडिलो बिना हड्डी के प्लेटों के पैदा होते हैं। कोमल त्वचा को कठोर कवच होने में कुछ सप्ताह लगता है। आर्माडिलो 12 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और चैनल को जिसने भी अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।